शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अविनाश क्यों चीख रहा है? क्या हम इतने डरावने हैं कि हमें बिना देखे ही आपकी चीख निकल गई? हाँ वही वही तुम्हारे साथ। अरे बहू भी चीख रही है। अरे ये सब छोड़ो, पहले देखो हुआ क्या है। अविनाश बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ, क्यों चीख रहे थे? अरे बेटा कुछ बोलोगे भी, आखिर आखिर क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? भैया भाभी सांप। वाह तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मम्मी जी मैं ठीक हूँ, सही समय पर ये आ गए, नहीं तो वो सांप मुझे डस लेता। पर कमरे में सांप आया कैसे? मोहिनी हमारे घर के पीछे घना जंगल है और गांव वालों का कहना है कि वहाँ 100 साल पुराने सांप रहते हैं। 100 साल पुराने सांप? हाँ और कुछ तो इच्छाधारी नाग भी हैं। बुआ जी मम्मी जी ये हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? हाँ हो सकता है घर के पीछे जंगल है, सांप आ सकता है, पर ये इच्छाधारी नाग, ये सब मन घड़त झूठी कहानियां है। देखो बेटा कुछ चीजें मानी जाती हैं और कुछ चीजें सचमुच में होती हैं। तुम्हें पता नहीं है हमारे गांव के मुखिया की बेटी थी, अचानक घर से गायब हो गई, उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उसे इच्छाधारी नाग अपने वश में कर अपने साथ ले गया और पुलिस भी उसका कुछ पता नहीं कर पाई है। भैया भाभी शादी की पहली रात को ही नाग का हमारे घर में आना और मोहिनी को ना डसना, इसकी कोई वजह तो नहीं? इसकी वजह कोई बता सकता है तो बाबा जी बता सकते हैं। सुमित्रा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बाबा जी प्रकांड पंडित हैं, इस समस्या का समाधान सिर्फ वही बता सकते हैं। अविनाश बेटा तुम जल्दी से गाड़ी लेकर जाओ और बाबा जी को लेकर आओ, शायद वही इस समस्या का हमें हल बता पाए। जल्दी जाओ बेटा। जी इसके ग्रह तो बिल्कुल मेनका जैसे हैं। वही मेनका जो इंद्र के दरबार में अप्सरा हुआ करती थी, वही तेज वही शक्ति, ये किसी भी इंसान को सम्मोहित कर सकती है। तो बाबा जी उस नाग का आना इत्तेफाक तो नहीं है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस नाग का आना इत्तेफाक था या क्यों आया, ये इसके ग्रह बता रहे हैं। लेकिन आज रात जो कुछ भी हुआ वो क्या था, उसका कोई ना कोई तो निवारण होगा ही ना? अगर कोई भूत प्रेत होता तो उसको मैं अपनी क्रिया से बांध सकता हूँ, लेकिन लेकिन बाबा जी कहीं ऐसा तो नहीं जैसा गांव वाले कहते हैं वो कोई इच्छाधारी नाग ही हो? उसको बांध पाना मेरे वश में नहीं, ऐसी कोई क्रिया मुझे नहीं आती जो मैं उसको बांध सकूं। हाँ मैं घर पर कुछ पूजा वगैरह करके जाऊंगा, अगर उसके अलावा कुछ हुआ
तो मैं अपने आश्रम में मंत्रोच्चार करूंगा। भाई मैं एक हफ्ते से नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ और वर्कलोड इतना है कि क्या बताऊँ मैं तुझे यार। आज भी ऑफिस में तबीयत खराब सी लग रही थी तो मैं बॉस को बिना बोले ही वापस आ गया। हाँ नहीं देखता हूँ, कल तबीयत ठीक लगी तो नाइट शिफ्ट कर लूंगा, नहीं तो मैं अपडेट कर दूंगा ऑफिस में। क्या कर रहे हो? हाँ और वो कोई आ जाएगा। सुन मैं लगाता हूँ मैं तुझे। हाँ चल भाई। छोड़ो ना। क्या हुआ? कौन था तुम्हारे साथ? हाँ मोहिनी बोल ना, कौन था? कोई भी तो नहीं, आप ही तो थे मेरे साथ। भाभी सांप। मोहिनी सच सच बता दो, कौन था तुम्हारे साथ? कोई भी तो नहीं, आप भी तो थे मेरे साथ। अरे क्या बकवास कर रही हो यार, अभी सबके साथ अंदर आया हूं मैं। अरे बेटा हम लोग साथ ही अंदर आए हैं, कोई तो था अंदर तुम्हारे साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मतलब क्या है तुम्हारा? बुआ जी मैं सो रही थी और तभी मोहनी आई एम सॉरी। सुहागरात के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मन में बहुत तरह से शंकाएं आ गई थी, मैंने जानबूझकर अपनी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की रख ली, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि ये सब जो बाबा ने कहा है, ये जो भी है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और सब ठीक हो जाए। मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो मेरे प्यार पर पूरा यकीन था, आज नहीं तो कल आपका मन जरूर बदलेगा और आप मेरे करीब। इसके लिए मैंने दरवाजा खोला। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो अभी आया हूँ। क्यों माँ? हाँ बहू, भाभी वो जो सांप गया अभी, कहीं ऐसा तो नहीं वो इच्छाधारी नाग हो जो अविनाश का रूप लेकर आया? ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी थे मेरे साथ। देख बहू तुझे याद नहीं है बाबा जी ने क्या कहा था? भूत पिशाच होता तो बांधा भी जा सकता था, ये जरूर इच्छाधारी नाग था जो मेरे अविनाश का रूप धारण करके आया था। अब क्या होगा? बाबा जी तो मना कर चुके हैं, हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। देख बेटा इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, अगर बहू के जगह पे कोई और भी होता तो धोखा खा जाता। अविनाश बेटा तू एक काम कर, शहर के किसी सबसे अच्छे सफेरे को बुला कर ला, शायद ये इच्छाधारी नाग उसके काबू में आ जाए। जी तुझे आना ही होगा, तू जहां भी होगा तुझे यहाँ आना होगा। मेरी इस बीन की आवाज से अच्छे अच्छे को मैंने नचाया है और तुझे भी नाचना होगा, क्योंकि मैं निरंजन कालबेलिया जिद्दी से जिद्दी सांपों को मेरी टोकरी के अंदर छुड़ाया है। आज के बाद तू मेरा नौकर रहेगा और मैं तेरा मालिक रहूंगा, और अब मैं बीन बजाऊंगा। तुझे आना ही होगा, तू जहां भी होगा तुझे आना ही होगा। यमुना ये
ये सच में सांप को पकड़ लेगा? हाँ भाभी, बहुत माना हुआ सपेरा है, कई सांप पकड़े हैं इसने, दूर दूर से लोग बुलाते हैं इसे सांप पकड़ने के लिए। अच्छा? हाँ। जी बाबू, एक छोटा सा नजर आना मोहिनी को इस नाग के चंगुल से छुड़ाने के लिए। मोहिनी बेटा, अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सांप था उसे सफेरा सदा के लिए लेके चला गया, अब हमारे घर में कोई अहित नहीं होगा, तो डरना मत बेटा। हाँ ओम शिव भोले। ये क्या साफ कहाँ गया? मेरे इस बंद कमरे में कौन आया? अविनाश! अरे अचानक क्या हुआ, तुम कैसा है? रात को जब मैं घर पहुंचा और मैंने झोले को अच्छे से बांध कर कोठी में लटका दिया। जय शिव शंभू। जब मैं सुबह उठा तो वहां से देखा कि सांप गायब है। वो ऐसा कमरा है, ना तो कोई आ सकता है ना वहां से कोई जा सकता है। अब तो यकीन करना ही पड़ेगा कि वो एक इच्छाधारी नाग ही है। इच्छाधारी नाग? तुम सब लोगों ने मुझे झूठ बोला। वो अपनी शक्तियों से कभी भी रूप बदल सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, तुम्हारे रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, और वो किसी की भी जान ले सकता है। और तुमने मुझे छुपाया। अगर वो आपकी बहू पर मोहित है तो इस पूरे खानदान को खतरा हो सकता है। ये मेरी बात याद रखना। अविनाश का तुम ध्यान रखना, क्योंकि अविनाश पे उसकी नजर है, समझे? अविनाश बेटा, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? अरे बढ़िया चल रहा है पापा, और अगले महीने तो कंपनी वाले सैलरी भी बढ़ा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज सर ही बोल रहे थे। चलिए बेटा दूध पी ले। कितना कमजोर हो गया तू, हाँ? क्या माँ? नहीं, ये दूध मत पीना, इसमें जहर है। जहर? दूध में जहर? मोहिनी क्या बोल रही है तू? क्या हुआ भाभी? अरे देखो नहीं अमना, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बोले दूध में जहर है। अरे मैं अपने हाथ से गर्म करके ला रही हूँ दूध। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इच्छाधारी नाग ने इसमें जहर मिलाया। एक एक आदमी था जिसकी शक्ल मुझे दिखाई नहीं थी, उन्होंने आकर मुझे बताया इसमें जहर है।
कोई नहीं बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ वहम हो गया है। नहीं बाबूजी, मैं इन सारी बातों को नहीं मानता यार। बोलिए क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या यार? आइए, आप लोग यहाँ आइए, देखिए देखिए। मैंने कहा था ना इसमें जहर है, कहा था ना, कोई यकीन नहीं कर रहा था मेरा। हे भगवान, अब क्या करें? वो एक चादरी नाग मेरे अविनाश का जान लेना चाहता है। आखिर वो चाहता क्या है? भाभी, मुझे तो लगता है कि वो मोहिनी के लिए अविनाश को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इच्छाधारी नाग से बचने के हमने जितने उपाय करने थे सब कर लिए, अब इस घर का आहित होने से हम कैसे बचाएं? आप दोनों जाइए अंदर, जाइए अंदर। माँ, अरे मैंने बोला ना, जाइए आप लोग अंदर। चल बेटा। देख बेटा, एक औरत होने के नाते तुमसे ये सब तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पति की जिंदगी का सवाल है। हाँ मोहिनी, भाभी ठीक कह रहे हैं, अविनाश की जिंदगी के लिए तुम्हें नाग की सारी बातें माननी ही होंगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, जो इच्छाधारी नाग कहता है उसमें राजी हो जा, अपने पति को बचा ले बेटा, मेरे बेटे को बचा ले, इतनी मेहरबानी कर दे मुझ पे। तू बोलेगी तो तेरा पाँव भी पड़ लूंगी मैं, लेकिन मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे अविनाश को बचा ले। हो सके तो हमें माफ कर देना बहू। देखिए आप जो बोलेंगे मैं वो सुनूंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज आप अविनाश की जान मत लेना, प्लीज। मोहिनी, तू यहां है तो कमरे में कौन है? मोहिनी बोलते क्यों नहीं है, कमरे में कौन है? मम्मी जी वो मम्मी जी, आप समझ रही हैं, मेरी शारीरिक स्थिति सही नहीं थी और ऊपर से वो इच्छाधारी नाग उसे सिद्ध कर रहा था अपनी काम इच्छा शांत करने के लिए। उसने मुझे धमकी दी कि अगर उसकी काम इच्छा शांत नहीं हुई तो वो अविनाश को जान से मार देगा, जान से मार देगा। और इसके लिए मैंने ये सारी बात जब यमुना बुआ को बताई तो परिवार और अविनाश की जान बचाने के लिए बुआ जी ने अपना बलिदान देने का फैसला किया। भाभी, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, आप इसकी जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी, पर मैंने ये सिर्फ अपने भतीजे अविनाश की जान बचाने के लिए किया है, और इसके अलावा हम दोनों के पास कोई चारा भी तो नहीं था ना भाभी। अच्छा सुन, ये बात तुम दोनों ने हमसे कह दी है ठीक है, लेकिन मेरी कसम खा, मेरी जान की कसम खा, ये बात घर के किसी सदस्य को पता नहीं चलना चाहिए,
कसम खाओ, कसम लो हमारी, किसी को मत बताना। ओफो मोहिनी, सोना है तो प्रॉपर बेड पे सोना जान। मोहिनी, 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 पापा, मोहिनी, पापा, पापा। अरे अभिमाश, मोहिनी, ऐसे क्यों ठीक रहा तू? देखो ना, कुछ बोल नहीं रही पापा, देखो ना, कुछ बोल नहीं रही माँ। अरे अभी तो साथ में बैठ के हमने नाश्ता किया था, क्या हुआ मोहिनी, क्या हुआ इसको? अरे यार ये सब छोड़ो, पहले डॉक्टर को फोन लगाओ अविनाश। मुझे तो लगता है वो इच्छाधारी नाग ने मोहिनी को अपना शिकार बना लिया। अरे जमना, कभी तो शुभ बोला करो, हमेशा कुछ भी बोल देती हो। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हाँ ये प्रेम निवास में आ जाइए प्लीज, हाँ इमरजेंसी। I'm sorry, she is no more. डॉक्टर साहब, फिर से चेक कीजिए ना, मोहिनी को कुछ नहीं हो सकता। देखिए ना डॉक्टर साहब, मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, आप लोगों को पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? बेटा, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ वो उनका कॉल आ गया था, वो बस आते ही होंगे। जमुना का तो सुबह से रो रो के बुरा हाल है, सुबह से कमरे से निकले ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ सुमित्रा, बहुत प्यार करती थी वो मोहिनी से, तुम अपना ध्यान रखो। इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मोहिनी की मौत सांप के जहर से हुई। इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, हमें पहले से पता था कि वो इच्छाधारी नाग हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हमने बाबा जी से पूजा भी करवाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू मोहिनी के इतने बड़े बलिदान के बाद भी उस इच्छाधारी नाग ने हमारी बहू को नहीं बख्शा। इच्छाधारी नाग, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं सर, ये सच है। एक इच्छाधारी सांप था जो मेरा रूप लेकर भी अक्सर आ जाया करता था, जिसके कारण हम सब घर वालों ने मोहिनी से कहा कि मेरी जिंदगी के लिए वो बलिदान दे। सर हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था, लेकिन सर मोहिनी उस इच्छाधारी नाग से बहुत परेशान थी। बहुत हो गया अविनाश, अब मैं अपना शरीर का इस्तेमाल उस इच्छाधारी नाग को नहीं करने दूंगी। मुझे अपने आप से घृणा आने लगी है, नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। लेकिन इसका और क्या तरीका है मोहिनी? इसका एक ही तरीका है, चलो हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं, और ये बात इच्छाधारी नाग को पता भी नहीं चलेगी, पर ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। कुछ समय बाद घर वालों को हम लोग बता देंगे कि हम लोग कहाँ हैं, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मोहिनी, जैसा तुम बोलोगी वैसा मैं करूंगा। ये उसकी जिद थी, वो अक्सर मुझसे किसी दूसरे शहर चलने के लिए कहती थी। उसे इच्छाधारी नाग को मोहिनी के मन की बात पता चल गई होगी, उसे लगा कि मोहिनी उसे धोखा दे रही है, उसे दूर जाना चाहती, और गुस्से में आके उसने उसे डस लिया। अविनाश, मुझे तुम्हारी इच्छाधारी नाग वाली कहानी ना कुछ हजम नहीं हो रही। आइए एक बार फिर से देखते हैं उस कमरे में जहां मोहिनी को सांप ने डसा था। जी आइए इंस्पेक्टर साहब।
इच्छाधारी नाग। अब समझ में आ रहा है ये तस्वीर के पीछे खिड़की थी, इस बारे में पता था आप लोगों को? हाँ, मगर हमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सब समझ में आ रहा है जयप्रकाश जी, जो कोई था जो इस खिड़की से आया जाया करता था और इच्छाधारी नाग बनकर आप लोगों को धोखा दे रहा था, और इन सब में वो आपकी बहू मोहिनी भी शामिल थी। क्या? नहीं सर, वो इच्छाधारी नाग ही था। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? एक बार मोहिनी झूठ बोल सकती है, लेकिन इच्छाधारी नाग की हवस का शिकार यमुना भी हो चुकी है। नानी नानी नानी, यमुना बुआ कहीं जा रही है क्या? कहाँ जा रही है? नहीं, मैंने अभी अभी उनको बाहर बैग लेकर जाते हुए देखा। कहाँ जा सकती है यमुना? सुमित्रा, उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। कौन है यमुना? हमारी ननद, उसने अपने आंखों से देखा है इच्छाधारी नाग को। उसकी कोई फोटो है? हाँ, लीजिए मुझे। कॉन्स्टेबल सिंह, मैं तुम्हें एक औरत की फोटो व्हाट्सएप करता हूँ। ये औरत जहाँ भी स्पॉट हो मुझे तुरंत खबर चाहिए, और हाँ, शहर नहीं छोड़ना चाहिए। चलो। कहाँ जा सकती है यमुना? वो सब तो ठीक है, लेकिन खिड़की, ये इच्छाधारी नाग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है ये? हाँ कांस्टेबल सिंह, बोलो। हाँ सर, वो जो लेडी की आपने जो फोटो भेजी थी वो मुझे मोहित नगर में दिखी है। तो एक काम करो, उस पर नजर रखो, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। जी सर। ओके। यमुना, पुलिस कहाँ भाग रही हो? कहीं नहीं, वो तो मैं बस। कांस्टेबल अरेस्ट है। पर मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो यमुना जी, ये इच्छाधारी वाली नाक की कहानी क्या है? मुझे कुछ नहीं पता सर। तो फिर तुम घर से भागी क्यों? देखो यमुना, सच सच और चुपचाप बता दो, वरना सच्चाई उगलवाने के हमारे पास और भी तरीके हैं। मुझे लगता हुआ ये होगा कि जैसे ही तुम्हें ये इच्छाधारी नाग वाली कहानी का पता चला। इच्छाधारी नाग? विकी, बुआ को सब कुछ पता चल गया है। क्या? सर पता नहीं चल गया है, मैंने तो रिकॉर्ड भी कर लिया है नाग नागिन का खेल। मोहिनी को तो दिखा चुके, तो मैं दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप नहीं जानती है, मोहिनी की शादी से पहले से ही हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो तो मोहिनी के घर वालों ने अच्छा घर देख के अविनाश के साथ इसकी शादी करवा दी। और मोहिनी ने भी बड़ी ही चालाकी से इच्छाधारी नाग की कहानी सुना के हम सबको बेवकूफ़ बना दिया। आप चाहती क्या है? क्यों, इच्छाधारी नाग की एक और नागिन नहीं हो सकती है क्या? देखिए बुआ जी, भी इच्छाधारी नाग वाला खेल तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। मैंने हामी भर ली है। क्या? तो मेरे इच्छाधारी नाग कब खेल खेल रहे हैं? हम विक्की, पुलिस। अरे यार, अरे सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने मोहिनी का कत्ल नहीं किया। तुझे हम लोग बेवकूफ लगते हैं? हाँ, मोहिनी से तेरा मन भर गया था,
और यमुना तुझे अच्छी लगने लगी तो तूने सोचा कि मोहिनी को रास्ते से अलग कर देना चाहिए, है ना? नहीं साहब, मैं मोहिनी से शुरू से बहुत प्यार करता था। वो तो जब मोहिनी ने मुझे बताया कि उस घर में अंधविश्वास, किस तरह की ढकोसलेबाजी और बेवकूफी की बातें होती है, मैंने एक प्लान बनाया। कैसा प्लान? फिर सपेरे को जाकर मैंने कुछ रुपए दिए और उसे कहा कि मोहिनी के घर वालों को इच्छाधारी नाग की कहानी सुनाकर और डराए, और उसने वैसे ही किया जैसे मैंने कहा। हाँ साहब, मैंने ही नाग के गायब होने, रूप बदलने जैसी कहानी सुनाने के लिए उसे पैसे दिए। ले पकड़ पूरे 4,000। अब जाके मोहिनी के घर वालों को इच्छाधारी नाग की ऐसी झूठी कहानी सुना कि उन्हें सच भी लगे और डर भी, और अगर वो डर गए तो तुझे और 15,000 मिलेंगे। ठीक है। नाम क्या सपेरे का? निरंजन कालबेलिया। निरंजन कालबेलिया। सपेरा है तू? हाँ सपेरा। अब बोल, ये इच्छाधारी नाग वाली कहानी क्या है और विक्की को तूने कितना साथ बचे थे? बोल। नहीं साहब, मैंने 2 साहब तेरे लिए बेचे, उसके बदले में मुझे अच्छा खासा पैसा मिला, और मैंने वो साहब विक्की को नहीं बेचे। मैंने विक्की को साहब नहीं बेचे साहब, मैंने विक्की को साहब नहीं बेचे साहब। वो विक्की नहीं था? तो फिर कौन था? ऐसा क्या हो गया सुमित्रा जो यमुना घर छोड़ के चली गई? हमें कुछ भी नहीं पता है बाबा जी, कि हमारी बहू मोहिनी और यमुना हमें क्यों धोखा दे रही थी। सही बोल रही हैं आप। मोहिनी और यमुना, इन दोनों ने आपको धोखा दिया, पर आपको असली धोखा आपके इस बेटा अविनाश ने दिया। तो बताओ नाश, आखिर वो नाक क्यों खरीदे तुमने? अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। सर, मैंने कोई नाक नहीं खरीदे। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांस्टेबल, कुछ याद आया? सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ। सर, मैंने वो सांप इसलिए खरीदे थे क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मोहिनी अपने पुराने प्रेमी विकी के साथ में अय्याशियां कर रही है। सर, घर वालों के सामने तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अकेले में झगड़ा किया था सर। मुझे सब पता चल गया, तुम मेरे ही घर में अपने पुराने प्रेमी विक्की के साथ अय्याशी कर रही, ये बात मैं सबको बता दूंगा। अच्छा, अगर तुम मेरे बारे में सबको बताओगे तो मैं भी तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी कि तुम एक नपुंसक हो। इसलिए जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। इसमें हम लोगों का घर भी वैसा रहेगा और तुमको घर वालों से जो 4 ताने मिलने वाले हैं ना नपुंसक होने के लिए, उससे भी तुम बच जाओगे। और बात जब घर से चलेगी तो बाहर तक जाएगी। बाहर वालों को क्या शक्ल दिखाओगे अपने आप की? हाँ, शादी क्यों किए थे अगर कुछ कर ही नहीं सकते? और मैं घर वालों के सामने अपना आचरण भी सही रखा है, तो मैं जब महान बन रही हूँ तो मेरे बलिदान को भी महान बनाओ और इस रासलीला में मेरा साथ दो, समझे? सर, मैंने उसे अकेले में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे अपमान महसूस होने लगा था कि मैं किस तरह अपने घर वालों को धोखा दे रहा हूं। मुझसे मोहिनी की धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं हुई सर, और सर यही एक रास्ता था जिससे मैं बच भी जाता और आसानी से मोहिनी को भी रास्ते से हटा देता। इसलिए मैंने 2 सांप खरीदे। पहली बार तो वो बच गई,
लेकिन दूसरी बार पहला सांप तो काम नहीं आया, एक और सांप दे दो। मैंने तुम्हें पहले भी एक जहरीला सांप दिया। तुम पैसे से मतलब रखो निरंजन सफेरे, ज्यादा सवाल मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे तो पैसे से मतलब है, मैं तुम्हें दूसरा जहरीला सांप दे देता हूँ। देखो अविनाश, अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी का आचरण ऐसा है तो तुम उसे तलाक दे सकते थे, उससे अलग हो सकते थे, पर तुमने अपनी कमजोरी को छुपाया। यह सबसे बड़ा गुनाह किया तुमने, और फिर किसी की जान लेने का हक तुम्हें नहीं है। सर सॉरी। हवलदार फिर चलो सभी चलो तुम्हें चल। बाबा जी ये क्या हो गया बाबा जी?